हेलो एवरी वन मे कंचन एंड यू आर वॉचिंग कंचन क्लासेज हॉप यू लर्न आ लोट फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियोज एज यू नो दैट वी हैव बिन डूइंग आर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड इससे पहले जो इस चैप्टर की कुछ वीडियोज़ हमारी आ चुकी हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आई बटन प्रेस करके देख सकते हैं एंड टू वी वी लर्न अबाउट टू टॉपिक्स फर्स्ट वन इज दिसल ऑफ सीड्स एंड सेकेंड वन इज हाउ वी कैन ग्रो

वी नो दैट द प्लांट्स कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कि जो प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते और अगर उन प्लांट्स के सीड्स उनके पास ही गिर जाएंगे इफ़ द सीड्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो नियर देम एंड जर्मिनेट देयर सो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दे डू नॉट गेट फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ दे कॉन्ट गेट न्यूट्रेंट सो डिस्पर्जल इज नेसेसरी फॉर द प्लान्ट कि देखो जो प्लांट्स की सीड्स अगर उनके पास ही गिर जाएंगे और वो जर्मिनेट हो जाएंगे तो ऑबियसली वो बहुत कंजेस्टिड सा हो जाएगा उन्हें अच्छे से न्यूट्रेंट्स नहीं मिल पाएंगे एयर क्रॉसिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी उन्हें जो रिक्वायरमेंट्स है ग्रोथ के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि उनको अच्छे से मिल सकें सो so, इसलिए डिस्पर्जल ज़रूरी है एंड वट इज़ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स दैटरिंग अवे ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट कि जो मेन प्लांट है उनके सीड्स का अलग हो जाना फॉर एग्जाम्पल कि हमारा अपने पेरेंट्स अलग हो जाना हम उसे अलग हो गए वैसे ही सीड्स का अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाना कहीं दूर चले जाना दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड वट आर द एजेंट्स ऑफ दीड डिपर्जल मीनस की सीड डिस्पर्जल होता कैसे है कौन करते हैं सीड डिस्पर्जल सीड डिस्पर्जल के एजेंट्स कौन कौन से हैं विंड वाटर एंड एनिमल्स विंड वाटर एनिमल्स आर द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्जल मीन्स जो सीड डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं अब इस वीडियो को हम थोड़ा फोटोज में आपको अच्छे से क्लियर करूँगी कि कौन से सीड्स वाटर से या विंड से या एनिमल से डिस्पर्स होते हैं

हेयर हैं जिसकी हेल्प है से कि जब हवा चलती है तो वो उसके साथ उड़ जाते हैं और कहीं और जाकर गिर जाते हैं जहाँ भी वो गिरेंगे अगर उनको वहाँ फेवरेबल कंडीशंस फेवरेबल कंडीशंस मीन्स एयर वाटर एंड सन अगर उन्हें प्रॉपर मिलेगी तो वो वहीं पर ही जर्मिनेट हो जाएंगे क्लियर और वहीं पर ही वो जर्मिनेट होंगे और वहीं पर ही वो न्यू प्लांट में फिर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट इज बाय वाटर सीड्स ऑफ सम प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर और नियर वाटर बॉडीज आर डिस्पर्स बाय वाटर मीन्स जो कुछ ऐसे सीड्स जो वाटर के या वाटर बॉडीज वाटर बॉडीज मीन्स जहाँ पर वाटर होता है लाइक रिवर्स वी कैन से लेक्स ओशियंस ठीक है तो उनके आसपास जो प्लांट्स हैं उनके थ्रू भी सीड्स डिस्पर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉकोनट वी कैन से लोटस की कोकोनट Covering, है फाइब्रस आउटर कवरिंग जो कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है वो फाइबरस होती है फाइबरस मीन्स धागेदार होती है छोटे छोटे थ्रेड्स देखे होंगे आपने धागे से होते हैं तो उस वजह से वो हल्का हो जाता है और हल्का होने की वजह से वो अगर किसी वाटर बॉडीज में सीड्स गिर जाते हैं तो वही जहाँ भी उनको कंडीशंस मिलेंगी वो वहीं जर्मिनेट हो जाते हैं दिस हेल्प सीड्स फ्लॉट ऑन वाटर एंड मूव लॉन्ग डिस्टेंसेज और इस टाइप से जो सीड्स हैं वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी ट्रैवल करते हैं या मूव करते हैं नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल ऑरेंजेस चेरीज मैंगोज एट्सट्रा एंड थ्रू अवे दियर सीड्स दिस सीड्स ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल हम भी फ्रूट्स खाते हैं या मतलब एनिमल्स भी फ्रूट्स खाते हैं लाइक like एप्पल है या ऑरेंज है इनमें भी सीड्स होते हैं और हम इन सीड्स को ऐसे ही फेंक देते हैं हमने कहीं सीड्स को फेंक दिया और उन्हें वहाँ फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो वहाँ से भी न्यू प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं सम सीड्स लाइक बर्ड डॉग एंड कॉकलबर्ड जिसे हम जेंथियम भी कह सकते हैं दीज हैव हुक्स और स्पाइंस दे गेट स्टक टू द फॉर एंड स्किन ऑफ एनिमल्स क्लॉथ्स ऑफ पीपल एंड आर कैरिड अवे ये ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनके सीड्स में हुक्स होते हैं या स्पाइंस हम कह सकते हैं कि कुछ कांटे टाइप होता है जिससे वो किसी एनिमल की स्किन को या हम मतलब लोगों के क्लॉथ को चिपक जाते हैं और जिससे वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं कुछ ऐसे बर्ड्स हैं लाइक बर्ड्स वेलो सम सीड्स विच कम आउट अनचेंज्ड दियर ड्रॉपिंग्स एंड ऑल्सो स्टक टू दियर बीक्स वाइल ईटिंग फ्रूट्स वेन दे रब दियर बीक्स ऑन ट्रीज द सीड्स फॉल डाउन एंड लेटर ऑन ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स स्पॉज जैसे कुछ बर्ड्स फ्रूट्स खा रहे हैं और उनके जो सीड्स हैं उनकी बीक्स को चिपक जाते हैं अगर वो किसी प्लांट से रब करते हैं या किसी जगह पे आकर रब करते हैं तो वो सीड्स नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने से अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो फिर वो न्यू प्लांट में जर्मिनेट हो जाते हैं नेक्स्ट वीकेंस एट क्वीरन कलेक्ट नर्ट्स एंड ब्यूरी दैम टू बी यूज इन विंटर स्क्वीर क्या करती है उसकी ये खास बात है कि वो उसको जो भी नट्स मिलेंगे या सीड्स मिलते हैं वो उन्हें नीचे दबा देती है ताकि वो उसको विंटर्स में खाएगी या उनको यूज़ करेगी बट दे ऑफन फॉर गेट दैम बट वो अक्सर भूल जाती है वैन द कंडीशन बिकम फेवरेबल दीज नट्स ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स और जब कंडीशन उनकी फेवरेबल होती हैं कि जिस सीजन में वो ग्रो करते हैं तो फिर वो न्यू में ग्रो हो जाते हैं

और जब उनको वो फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं देन वो न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं सो वट वी डिस्कस्ड वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑफ सीड्स एंड एजेंट्स ऑफ सीड सीडर्जल वट इज डिस्पर्जल स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट मीन्स पेरेंट प्लांट्स से सीड्स का अलग हो जाना इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल एंड वट आर द एजेंट्स हमने क्या क्या डिस्कस किया कि कौन कौन से एजेंट्स हैं by wind by water by animals by human activities by fruit explosion these all are the agents of seed dispersal now we are going to discuss about vegetative propagation what is vegetative propagation means to grow the plants from different parts of a plant keep कि हम सीड से न्यू प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं बट नहीं हम से, बाकी प्लांट की जो बाकी पार्ट्स हैं लाइक रूट्स हैं उनके लीव्स हैं या उनकी स्टेम्स हैं उनसे भी हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं तो हम कैसे करवा सकते हैं अब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक प्लांट्स लाइक बॉगनविला रोज़ हिबिसस शुगर केन आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं लाइक बोगनविला रोज़ आपने कभी भी देखा होगा कि हम इनके सीड्स नहीं लेकर आते इनकी स्टेम्स लेकर आते हैं आप किसी नर्सरी से भी लेकर आएंगे तो इनकी स्टेम मींस इस इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि कलम लेकर आएंगे, जिससे हम उन प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं अगर किसी के घर में मनी प्लांट है तो मनी प्लांट को भी हम स्टेम कटिंग से ग्रो करवा सकते हैं क्लियर अगर किसी के घर में गिलोय है तो गिलोए की भी अगर हम स्टेम कटिंग करेंगे और उसे लगा देंगे तो वो न्यू प्लांट में ग्रो हो सकती है दे हैव बर्ड्स विच ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स इनके अंदर स्टेम्स से हम कैसे ग्रो करवा सकते हैं इनके अंदर बर्ड्स होती हैं जो बर्ड्स न्यू प्लांट में ग्रो होती हैं। यू एवर नोटिस सच बर्ड्स ऑन पोटैटो कभी आपने देखा होगा नहीं देखा होगा तब आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि पोटैटो के ऊपर भी बर्ड्स होती हैं दिज बर्ड्स ऑफ पोटैटो आर कोल्ड आइज हम इसे पोटैटो की आइज़ भी कह सकते हैं और अगर हम इस पोटैटो को इस टाइप से इसके छोटे छोटे पीसेस करें कि हर पीस में एक आई जरूर हो और अगर उस आई को हम उस छोटे पीस को अगर हम सॉयल में डालें और उसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करें तो वो न्यू प्लांट में ईजीली ग्रो हो सकता है दिज आईज ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स नेक्स्ट वन इज़ अनियन एंड जिंजर आर ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स अंडरग्राउंड स्टेम्स मीन्स की ये स्टेम्स अंडर द सॉइल मतलब ग्राउंड के नीचे ये ग्रो करती हैं और इन्हें भी हम स्टेम कटिंग से ग्रो करवा सकते हैं अनियन में या फिर जिंजर में इनके भी अगर हम इस टाइप से कटिंग करें और इन्हें ग्रो करवाएं तो ये न्यू प्लांट्स में ग्रो हो सकती हैं स्वीट पोटैटो टर्नी कैरेट अगर इनका ऊपर वाला पाट आप फोटो में देख पा रहे होंगे इनका ऊपर वाला पाट अगर हम कट करके सॉइल में डालें तो हम न्यू प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया गिव राइज टू न्यू प्लांट्स ये जो बिगोनिया है या ब्रायोफाइलम इनके लीव्स पर छोटे छोटे आ, हम कह सकते हैं कि कुछ दाने टाइप में कुछ होता है ठीक है और वो वहाँ से भी हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं ब्रायोफाइलम और बिगोनिया के लीव्स के ऊपर छोटे छोटे दाने से दिखाई देते हैं उन दानों से भी हम लीव्स न्यू प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स हैं लाइक मशरूम है या मोल्ड्स हैं इनमें फ्लावर्स नहीं होते ये फ्लावर्स रिप्रोड्यूस करते ही नहीं हैं दे आर कॉल्ड नॉन फ्लारिंग प्लांट्स इन सीड ऑफ सीड्स दे रिप्रोड्यूस बाई स्पोर्स इनमें सीड्स नहीं होते इनमें स्पोर्स होते हैं और ये स्पोर्स से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं द स्पोर्स आर टाइनी राउंड एंड लाइट बॉडीज विच कैन बी डिस्पर्स ईजिली इन वेरियस डायरेक्शन एड ग्रो इन टू न्यू प्लाट्स बिकॉज दे आर वेरी लाइट इन वेट और लाइट इन वेट होने की वजह से वो ईजिली डिस्पर्स हो जाती हैं और न्यू पार्ट्स में न्यू uh, प्लांट्स में ग्रो हो सकती हैं सो वट वी डिस्कस्ड अबाउट वी डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स कि कैसे हम प्लांट्स के बाकी पार्ट्स से भी न्यू प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं सो so, अब सबकी समर वेकेशन्स चल रही हैं तो आप सभी समर वेकेशन्स में इसे एंजॉय तो कर ही रहे होंगे साथ में अब जैसे मैंने आपको बताया है कि हम बाकी पार्ट से भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं तो ऐसे आप भी ट्राई करके देखो उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिले लाइक कि उन्हें वहाँ एयर भी अच्छे से हो वाटर उन्हें अच्छे टाइम टू टाइम बिकॉज समर सीजन है तो उन्हें टाइम टू टाइम वाटर भी मिले और सनलाइट भी हो तो सेवन टू एट डेज़ में वो न्यू प्लांट्स में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे कैसे कर सकते हो आप घर पर सपोज़ आप कोई फ्रूट्स खा रहे हो तो उन फ्रूट्स के सीड्स को आप फेंकने की बजाय कहीं थ्रो करने की बजाय आपके घर में कहीं स्पेस है तो उसे सॉयल में डालो उसे प्रॉपर वाटर दो और उसे सनलाइट मतलब इस टाइप से हो कि सनलाइट मिलती रहे फिर आप देखोगे कि उसमें से न्यू प्लांट्स को हम ग्रो करवा सकते हैं अपना आप ऐसे करके देखिए और जब वो न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कौन सा प्लांट ग्रो किया वो हुआ या नहीं हुआ सो so, फिर नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप देखते रहिए कंचन क्लासेस थैंक यू